मेरी इच्छा है कि उस न्यू कीट को रखने वाला पहला आदमी मैं खुद हूँ। इस वक्त रीबिल्ड बकी के नाम से ट्रेंड चल रहा है। आखिर ये बकी है क्या और क्यों इसे लोग बनाने के लिए प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में कर रहे हैं। नमस्कार, सलाम अदाब, मैं अली अब्बास नकवी आपके साथ आया हूँ आज एक और इस्लाम के इतिहास के बारे में आपको बताने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन्नतुल बकी की, जो एक कब्रिस्तान है सऊदी अरब के मदीना शहर में, जहाँ इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार, जिनमें उनकी बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, उनकी बीवी, उनके दादा, उनके नवासे समेत कई उनके हज़ारों सहाबी इसी कब्रिस्तान में दफन हैं। 1925 से पहले ये जन्नतुल बकी कुछ इस तरह दिखता था, जिसमें आपको कब्र, मज़ार, श्राइन आदि नज़र आएंगे। लेकिन साल 1925 में सऊदी हुकूमत ने इस पूरे कब्रिस्तान पर बने सभी कब्रों को डिमोलिश कर दिया। वहीं इस जन्नतुल बकी में उनकी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का भी रोज़ा बना हुआ था, जो अब बिल्कुल मिट्टी में बदल गया है। वहीं पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें अपने नवासा हज़रत हसन कहते थे कि वो जन्नत का सरदार है, उनकी कब्र भी इसी जन्नतुल बकी में थी और वो भी ढा दी गई है। और तो और कई इमामों की कब्र तक इसी जन्नतुल बकी में थी, जिसे डिमोलिश कर दिया गया है। यहाँ तक कि अगर आप कोई जाना भी अगर उस कब्र पर जाए, आप जाने के लिए कि वहाँ पे हम पहुँचे, तो वहाँ पे भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं जहाँ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वहाँ पे आप देखेंगे कि सोने और तांबे के चारों तरफ से दरवाजे बनाए गए हैं, जिसे लोग दूर से ज़ियारत करते हैं। वहीं मिस्र में मौजूद सुन्नी इमाम शाफई का मज़ार भी मौजूद है। हिंदुस्तान में आप जाएँ, निज़ामुद्दीन दरगाह, अजमेर शरीफ, कई दरगाहों में आप जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे वहाँ बहुत खूबसूरत मज़ार भी बने हुए हैं। इराक़ में इमाम हुसैन का रोज़ा, जहाँ पे तकरीबन हर साल में 1-2 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद रहते हैं उनकी कब्र पे जाने के लिए। लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम अगर हज़रत फातिमा ज़हरा यानी मोहम्मद साहब की बेटी की कब्र पे जाना चाहें तो वो नहीं जा सकते, यहाँ तक कि उनकी कब्र पे कोई चिराग भी नहीं जला सकता। वहीं दिल्ली हो, लखनऊ हो, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे भारत विश्व में भी ये जन्नतुल बकी के लिए आज 8 शवाल के दिन में प्रोटेस्ट किया जाता है। और ये 8 शवाल, आपको बता दूं, इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना होता है और उसकी 8 तारीख होती है, जिस उसी 1925 में ये 8 शवाल का ही दिन था, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज के दिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वफादार मोहम्मद रहते हैं, वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ एहतजाज बुलंद करते हैं और सऊदी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जन्नतुल बकी को शान शौकत के साथ फिर से तामीर किया जाए। मैं सिर्फ अपना एतराज़ व्यक्त करता हूँ और मेरी इच्छा है कि वो रोज़ा बने, हमारी आपकी नस्लें देखें और उसके बनने की शुरुआत हमारे आपके सामने हो और उसमें मुकम्मल जो पहली ईंट पड़े उसमें मैं अपनी तरफ से जाके खुद लगा के आऊँ। वहीं अब देखना होगा कि जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग एक तरीके से मेमोरेंडम भी गवर्नमेंट को देते हैं, सऊदी गवर्नमेंट को, कि प्लीज़ आप हमारी जो एक श्रद्धा है उसको सुनिए और वहाँ पे एक श्राइन, एक रोज़ा बनाइए। और क्या अब वो सऊदी गवर्नमेंट इस उन लोगों की जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर पाएगी और कब वहाँ पर फिर से श्राइन मिल पाएगा। आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए NDTV के साथ।